हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट निकल के आता है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी की तरफ से। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, तो फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं, क्योंकि एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी के लिए कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है और साथ ही आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जैसे कि इसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, साथ ही इसके रिटन एग्जाम पैटर्न और रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर आपको पीडीएफ के थ्रू लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूं और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर रिटन एग्जाम के पीडीएफ क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है वो अप्रोक्स 10,000 के आसपास रखी गई है। हालांकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसीज के बारे में कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन जो इसमें वैकेंसी है वो करीब 10,000 के आसपास ही रखी गई है। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के बारे में। जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 22 अप्रैल 2019, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट है 29 मई 2019, यानी कि आपके पास 1 मंथ से भी ज्यादा है इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं इसके रिटन एग्जाम टेस्ट के बारे में, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। रिटन एग्जाम इसका 2 अप्रैल 2019 से लेकर आपका 6 सितंबर 2019 तक होने वाला है, यानी कि आपका रिटन एग्जाम 1 महीने तक चलने वाला है। बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम के बारे में, जो कि 7 नवंबर 2019 है, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इसमें होने वाला है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से। बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फीस के बारे में, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस इसमें केवल 100 रुपए रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें हम एज लिमिट देखेंगे और साथ ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, काफी ज्यादा लोग का डाउट एज लिमिट से ही रहता है। तो एज लिमिट इसमें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 18 to 25 ईयर रखी गई है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो आपकी 1 अगस्त 2019 तक होगी, यानी कि आपने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हों 1 अगस्त 2019 तक, तभी आप इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको सीधा सीधा समझा दूं, यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2001 के बीच में हुआ हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये था जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको इसमें अपनी कास्ट का प्रॉपर इलेक्शन भी दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वालों को इसमें 3 ईयर का इलेक्शन मिल जाएगा, एसटी एससी कैटेगरी वालों को इसमें 5 ईयर का इलेक्शन दिया जाता है, और जो लोग पीडब्ल्यू कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 ईयर का इसमें इलेक्शन मिल जाएगा, और पीडब्ल्यू ओबीसी कैटेगरी वालों को 13 ईयर और पीडब्ल्यू एसटी एससी कैटेगरी वालों को इसमें 15 ईयर का इलेक्शन मिल जाता है। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें केवल मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास आपको होना चाहिए। अगर आपने 10th किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल 10th बेस्ड ही वैकेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे फाइनल सिलेक्शन तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसमें आपके टोटल 3 स्टेज होने वाले, जिसमें फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेकंड स्टेज आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि एक सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको एसे या फिर आपको लेटर वगैरह लिखना होता है, थर्ड आपका जो इसमें स्टेज होती है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी फर्स्ट स्टेज, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होने वाला है। सबको पता होगा करीब पिछले 2 साल से इसका रिटन एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन होने लगा है। तो रिटन एग्जाम में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होता है जनरल इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट आपका होता है इसमें जीएस या फिर जीएस यानी कि जनरल नॉलेज, थर्ड आपका होता है इसमें रीजनिंग या फिर इंटेलिजेंस, फोर्थ आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे आप मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो हर एक पोर्शन से यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 25 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो कंप्लीट, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे।
बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग की, 1/4 की इसके रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका टाइम ड्यूरेशन, 1.5 घंटा आपको दिया जाता है 90 मिनट पूरा रिटन एग्जाम सोल्व करने के लिए। तो ये था, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, रिटन एग्जाम के बाद एक क्वालिफाइंग मेरिट बनती है जिसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो अगर आप वो मेरिट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाए जाओगे। तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें केवल आपके 50 मार्क आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको लेटर एसे वगैरह लिखना होता है। काफी ज्यादा लोगों का डाउट रहता है कि आपको किस डिस्क्रिप्टिव आप किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो इसमें करीब 22 लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी यानी कि जो आपके 8वीं अनुसूची में जितनी भी आपकी भाषाएं हैं करीब 22 भाषाएं, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश ये आपकी चॉइस है, जिस भी भाषा में आप अपना लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव पेपर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, यानी कि ऐसे या फिर आपको लेटर किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए केवल आपको 50 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर की होगी उसके लिए आपको 30 मिनट दी जाएगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट केवल आपके कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्वालिफाई कर लेते हो यानी कि सेकंड स्टेज भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा आपकी थर्ड स्टेज जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी अपने ओरिजिनल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, जिसमें आपका आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होता है, मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो स्पेशल एससी एसटी एससी ओबीसी, अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपनी कास्ट का इसमें सर्टिफिकेट देना होता है यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप किसी स्पेशल आप रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट इसमें अलाउ कराना होता है। तो ये आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आप तीनों ही स्टेज अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी कि जो मार्क आपने कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम में ऑब्टेन किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप वो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उस मेरिट लिस्ट को क्रैक कर लेते हो, तो आपका फाइनली एसएससी एमटीएस की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि एसएससी एमटीएस कैसी पोस्ट है, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको वर्क प्रोफाइल बताऊंगा कि आपको प्रॉपर एसएससी एमटीएस की पोस्ट पर रहकर काम क्या करना होता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें। और आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियो देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको मैं लेकर आऊंगा बेस्ट बुक के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, और कंप्लीट डिटेल से टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए भी आपके मैं कल एक वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स ये था आपका एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।